नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार जबरदस्त कमबैक किया है। साल 2019 और साल 2014 में क्लीन स्वीप का दंश झेलने वाली कांग्रेस ने इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलते हुए राजस्थान की 25 सीटों में से 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहां बीजेपी की क्लीन स्वीप हैट्रिक का भी सपना कांग्रेस ने इस बार तोड़ दिया है। इसी बीच कांग्रेस के सांसदों का पुलिस और पॉलिटिक्स का एक अनूठा कनेक्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के 3 ऐसे सांसद हैं जिनका पुलिस और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ अनूठा कनेक्शन देखने को मिला है। अब ये तीनों ही सांसद बन चुके हैं, जिनमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उमेदवार राम बेनीवाल, टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से हरीश चंद्र मीणा और भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटव। आइए हम इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि इन सांसदों का पुलिस और क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन। देखिए खास रिपोर्ट। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद उमेदवार राम बेनीवाल का भी पुलिस से कनेक्शन रहा है। बेनीवाल बाड़मेर जिले के पूनिया का तला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 1995 में दिल्ली में बतौर पुलिस कांस्टेबल के रूप में ज्वाइनिंग की। इस दौरान 10 साल तक दिल्ली पुलिस में वे रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सांसदों का संसद में आना जाना लगा रहता था और उन्हों का भी पुलिस थाना संसद मार्ग पर ही था। संसद में आते जाते लोगों को देखकर वे उनकी भी इच्छा हुई कि वे भी अब सांसद बनेंगे और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया और उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। फिर वे राजनीति में उतर गए और हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रविंद्र सिंह भाटी को 1,18,000 वोटों से पराजित किया है। वहीं अब दूसरी बात करें तो टोंक सवाईमाधोपुर से नवनिर्वाचित सांसद हरीश चंद्र मीणा की। हरीश चंद्र मीणा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। हरीश चंद्र मीणा 1976 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं। इस दौरान 2009 से 2013 तक हरीश चंद्र मीणा राजस्थान की DGP भी रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल अब तक के DGP में सबसे अधिक माना गया है। हरीश चंद्र मीणा ने सेवानिवृत्ति के बाद BJP की ज्वाइनिंग की, जहाँ दौसा से वे सांसद भी बने। इसी बीच हरीश चंद्र मीणा ने अपने भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के प्रयासों से कांग्रेस में शामिल हुए, जहां देवली उनियारा विधानसभा सीट से वे 2 बार विधायक भी चुने गए। हाल ही में उन्होंने देवली उनियारा विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिनमें उन्हें 2 बार के सांसद रह चुके सुखबीर सिंह जौनापुरिया को पराजित भी किया है। भरतपुर से नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव सबसे कम उम्र की सांसद बन गई है। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु सचिन पायलट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संजना जाटव 24 से 25 साल की उम्र में भरतपुर की सांसद बन गई है। उन्हों का भी पुलिस के साथ कनेक्शन बताया गया है, जहां संजना जाटव के पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल है। सांसद संजना जाटव वर्ष 2016 में अलवर जिले की कुटुम्बर विधानसभा की समूची गांव की निवासी कप्तान सिंह से शादी हुई थी। संजना के पति अभी भी पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। संजना के संघर्ष के पीछे एक बड़ी कहानी बताई जाती है और इन्हीं कारणों के चलते वे राजनीति में भी आई है। इसी बीच जयपुर में भी कांग्रेस के एक नेता ने उनके ससुर के सामने संजना का अपमान कर दिया था, जिसके बाद संजना के पति और ससुर ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद संजना ने BJP के उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली को हराकर भारी बहुमत से भरतपुर की सांसद बनकर सबके सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।